ऑड टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन पोएम है, जिसमें ऑड का अर्थ होता है गीत, अ म्यूजिकल सॉन्ग, अ लिरिकल सॉन्ग, और इसमें किसी को एड्रेस किया जाता है। जॉन कीट्स ने इसमें ऑटम को एड्रेस किया है। और जॉन कीट्स ने जब ये इस पोएम को लिखे, उस वक्त वो काफी परेशान थे, उनके जीवन में काफी उथल पुथल थे, वो पैसे की परेशानी से जूझ रहे थे, और उनके भाई जॉर्ज उनको काफी शारीरिक कष्ट थे, बीमार थे, और ये प्रेम में असफल थे, और भाई के इलाज के लिए उन्होंने काफी जगह पैसा मांगा, लेकिन अंत में निराशा हाथ लगी और वे मैनचेस्टर लौट आए। एक शाम 19 सितंबर 1890 को जॉन कीट्स इचिन नदी के किनारे टहल रहे थे, और वहां के दृश्य, वहां की सुंदरता में वो ऐसे खो गए कि उन्होंने अपने गम को पूरी तरह से भुला दिया। और ये ऐसे पता चलता है कि उन्होंने एक पत्र अपने मित्र रेनॉल्ड को लिखा, जिसमें उन्होंने बताया उस वक्त का जो दृश्य था, वातावरण था, जो सुंदरता उस वक्त बिखरी हुई थी। जॉन कीट्स ने अपने दोस्त को सारी चीजों को बताया। जॉन कीट्स मन के अंदर जितने भी उनके विचार आ रहे थे, उन्होंने एक कागज पर उसे नोट किया, और फिर बाद में सादे कागज पर एक प्रतिलिपि तैयार की, जिसे उन्होंने अपने भाई जॉर्ज को दिखाया, और जॉर्ज अमेरिका जाते वक्त वह अपने साथ लेकर चले गए, और फिर इनके भाई जॉर्ज ने वह प्रतिलिपि जो है अपने दोस्त मिस ईना बार्कर को उपहार स्वरूप दे दी, और मिस ईना बार्कर के पास यह पोएम की जो प्रतिलिपि है करीबन 50 साल तक रही, और फिर उन्होंने एमी लॉवेल को दी, और एमी लॉवेल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में दे दी। ओड टू ऑटम बहुत ही अच्छी पोएम है। वैसे ज्यादातर पोएट चाहते हैं कि मैं स्प्रिंग पे लिखूं, जिसमें ब्यूटी है, लेकिन ऑटम के अंदर कोई ब्यूटी नहीं है, लेकिन जॉन कीट्स ने इसे चुना और इसके अंदर जो ब्यूटी है उसको दिखाने की पूरी कोशिश की है, और इसमें बहुत से इमेज को उन्होंने दिखाया है। वैसे सीजन की बात की जाए तो सीजन में स्प्रिंग एक साइकिल है, विंटर भी एक साइकिल है, एक चक्र है, विंटर के अलावा ऑटम भी एक चक्र है, लेकिन अगर ऑटम को नेग्लेक्ट किया जाए तो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। तो इन्होंने इसे चुना और इसके बारे में लिखा। तो ऑड टू ऑटम में सबसे पहले हम जॉन कीट्स के बारे में जान लेते हैं। जॉन कीट्स, जिनका जन्म 1795 और इनकी डेथ जो है 1821 में हुई, यानी ये काफी कम उम्र में जो है यह मर गए, और करीबन 26 ईयर्स की एज थी इनकी उस वक्त। ओके, और यह जो है रोमांटिक पोएट में ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट, रोमांटिक कहते हैं जिसमें राइटर जो है नेचर के बारे में लिखता है, राइटर जो है हृदय से लिखता है, दिल से लिखता है, राइटर इमोशन को लिखता है, राइटर जो है सब्जेक्टिव होता है। और ये रोमांटिक जो पीरियड है, जिसमें जो राइटर्स हैं विलियम वॉर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेली, एसटी कॉलरिज, उनमें से जॉन कीट्स जो है एक काफी बड़े पोएट हैं, और इनका जन्म जो हुआ वह मूनफील्ड्स जगह पे, जो लंदन के अंदर है, वहां पे हुई, और ये एनफील्ड में क्लार्क स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई की। ये क्रिकेट और बॉक्सिंग में पूरी तरह से जो थे इंटरेस्टेड थे, और ये एक वोरेसिस रीडर थे, और वोरेसिस कहते हैं जो पढ़ने लिखने में काफी लिप्त रहता हो, इन्हें बहुत पढ़ने की आदत थी, और ये ग्रीक मैथोलॉजी जो है ज्यादा पढ़ते थे, यूनान की जो कथाएं हैं वो ज्यादा पढ़ते थे। इन्होंने जो है वर्जिल्स की एनियड जो है उसका ट्रांसलेशन भी शुरू किया, और इन्हें बनने का जो है जुनून उस वक्त सवार हुआ जब इन्होंने स्पेंसर के फेरी क्वीन, स्पेंसर का वर्क है फेरी क्वीन, उसे जो इन्होंने पढ़ा, या जब उससे इनका परिचय हुआ, इनकी जो पहली पोएम जो थी लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर के इमिटेशन में जो लाइन इन्होंने लिखे, वो 1814 में पब्लिश हुई, और इनके फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री जिसका टाइटल जो पोएम्स था, ओके, यह 1817 में पब्लिश हुई,
और इनके पोएम इन दी मियोन, ये लंबी पोएम है ओके, जिसको जो है विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने इसकी प्रशंसा की ओके, और यह जो पब्लिश हुई 1818 में हुई, और इनके जो ओड्स हैं जिसमें ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रेशन अर्न, टू साइकी, टू अ नाइट एंगल, ऑन मेलंकली एंड ऑ टू ऑटम, इस ओड ने इन्हें बहुत ग्रेट जो है रोमांटिक पोइट बनाया इंग्लिश लिटरेचर में। और इसके अलावा जो इनकी दो पोएम और है, एक लेमिया और हाइपेरियन, इसकी वजह से भी जो है इनको काफी प्रसिद्धि मिली। और ये जो है ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी की वजह से 1821 में मर गए, डेथ इनकी हुई, और उस वक्त इनकी जो उम्र थी 26 इयर्स थी। और अपने ये बहुत ही कम समय में इन्होंने जो है ग्रेटनेस को अचीव कर लिया। और इनके जो पोएम्स थे, इनके पोएम में जो है ब्यूटी, सुंदरता और दुख दर्द जिंदगी के जो है, ये सारे जो है इस चीज का जो है वो रिफ्लेक्शन मिलता है इनके पोएम के अंदर। इनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉय फॉर एवर, ये खूबसूरती नेचर के बारे में कह रहे हैं कि जो ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए खुशी है। एंड ब्यूटी इज ट्रुथ, और ट्रुथ ब्यूटी यानी सत्यम शिवम सुंदरम का जो कॉन्सेप्ट है वो है इन द पोएम ओड टू ऑटम किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। ओड टू ऑटम में किड्स जो है ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में, किस चीज के सुंदरता के बारे में और विशेषता के बारे में, ऑटम की विशेषता के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। और ये काफी जो है पिक्चर्स को इसमें बताते हैं और एग्जिबिट्स करते हैं, प्रस्तुत करते हैं ब्यूटी को नेचर के अंदर ओके। अब हम टेक्स्ट पे चलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑड टू ऑटम विच इज रिटन बाय जॉन कीट्स एंड इट हैज 3 स्टेंजास एंड इच स्टेंजा कंटेन्स 11 लाइन्स। और स्टेंजा कहते हैं डिवीजन ऑफ पोएम जिसके पास कुछ लाइन्स हो। तो पहला जो है स्टेंजा हम शुरू करते हैं, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। यह जो सीजन है कुहासे का सीजन है, मिस्ट कुहासा, और कुहासा क्योंकि ऑटम के दिनों में सुबह और शाम के वक्त जो प्लेन एरिया हैं, जो फील्ड्स हैं, जो दलदली एरिया है, मार्शी एरिया है, और जहाँ पे पानी लगा हुआ है वहाँ पे कुहासा आ जाता है, इसकी वजह से कभी जो है इसे मिस्ट का सीजन कहता है, सीजन ऑफ मिस्ट। हर जगह जो है कुहासे हैं। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो पके हुए फ्रूटफुलनेस, फल जो है हर जगह बहुत हैं इन लार्ज नंबर, तो इसलिए कभी इसे कहता है कि सीजन ऑफ मिस्ट, यह मौसम है कुहासे का और पके हुए बहुत से फलों का। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ मैचोरिंग सन, यह जो है ऑटम, यह बहुत ही घनिष्ठ मित्र है किसका, सूरज का। और सूरज को यहाँ पे मैच्योरिंग कहा गया, मैच्योर है सूरज क्योंकि उसके किरण के अंदर जो है वह प्रवृत्ति है, उसके रेस के अंदर वो प्रवृत्ति है कि वह फलों को पका देते हैं। ये दोनों मिलकर जो है फलों को पकाते हैं, कंस्पायरिंग विथ हिम, ये कंस्पायर करते हैं, षड्यंत्र साजिश रचते हैं। वैसे कंस्पायर का यूज जो होता है नेगेटिव सेंस में होता है, यहाँ लेकिन पोएट जो है पॉजिटिव सेंस में, यानी दोनों मिलकर ये अग्री करते हैं और दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि कैसे फलों को जो है पकाया जाए। तो कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थेच इब्स रन। ये कंस्पायर करते हैं कि अंगूर के लतों को कैसे अंगूर से भर दिया जाए और खुश कर दिया जाए, अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, और वह अंगूर की लताएं जो हैं वो थैच इब्स रन पे चारों तरफ दौड़ी हुई हैं, चारों तरफ हैं। थैच फूस, इब्स बोलते हैं छज्जा, वैसे ओलती भी उसे बोला जाता है, और यह जो है किसी भी घर का प्रोजेक्टिंग एरिया, बाहर का निकला हुआ भाग होता है। और यहाँ पे ये फूस का घर है, तो फूस का जो छज्जा है उसके चारों तरफ जो अंगूर की लताएं घूमी हुई हैं, दौड़ी हुई हैं, उसे अंगूर से कैसे भर दिया जाए और अंगूर को कैसे, अंगूर की लताएं को कैसे खुश कर दिया जाए। कभी जो है ये ऑटम जो है और सूरज जो है
ये दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं टू बिल्ड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रेन. टू बिल्ड विथ एप्पल, एप्पल के जो ट्रीज हैं कैसे उनको झुका दिया जाए, क्योंकि एप्पल जब आते हैं ट्रीज पे तो उनका वजन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो पेड़ हैं वो झुक जाते हैं. और ये पेड़ जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये कॉटेज ट्री हैं, यानी जहाँ पे कॉटेज है, जहाँ पे घर है, उसके बगल में जो आप जो पेड़ हैं, किस चीज के, सेब के पेड़, उन्हें जो है कैसे फलों से भर दिया जाए. ओके. और मोस्ट कॉटेज ट्री, मोस्ट का अर्थ होता है काई, जो ग्रीन ग्रीन कलर में होता है, और मोस्टली जो है ये एप्पल के पेड़ पे होते हैं. तो ये कॉटेज जो ट्री है एप्पल का, उसे झुका दिया जाए फलों से. एंड फिल ऑल फ्रूट, और सारे फलों को भर दिया जाए विथ राइपनेस, सब पक जाएं, टू द कोर, बिल्कुल सेंटर तक, अंदर तक, बिल्कुल इसके सेंटर तक जो है सारे फलों को पका दिया. ये दोनों मिलकर जो है वो अग्री होते हैं इस बात पर और प्लान बनाते हैं कि कैसे ऐसे किया जाए. ओके. टू स्वेल द गोल्ड, और गोल्ड को फुला दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, बिगर कर दिया जाए. गोल्ड जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये जो है उसका इमेज आप देख सकते हैं गॉड का यहाँ पर. ओके. तो टू स्वेल द गोल्ड, गोल्ड को फुला दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए. एंड प्लम्प द हेजल शेल, यहाँ पे हेजल जो नट्स है उसके पास कुछ शेल्स होती हैं, और जब ये पक जाती हैं तो ये जो है फूल जाती हैं, और इसका जो इनसाइड जो अंदरूनी भाग होता है वह खाने के लायक हो जाता है. तो हेजल शेल को जो है किस तरह से प्लम्प कर दिया जाए, किस तरह से फुला दिया जाए, किस तरह से पका दिया जाए, किस तरह से उसमें गुद्दा भर दिया जाए. यहाँ पे प्लम्प जो है एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे अनयूजुअल यूज जो है पोइट के द्वारा किया गया है, और इसे वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है. ओके, क्लियर. टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल शेल, हेजल शेल को कैसे जो है वह फुला दिया जाए, पका दिया जाए, या उसके अंदर गुद्दा डाल दिया जाए. विथ अ स्वीट कर्नल, कर्नल जो है सॉफ्ट भाग होता है उस नट का, जिसे खाया जाता है. तो कैसे उसे जो है मीठे, मीठा जो है कर्नल उसके अंदर भर दिया जाए, स्वीट पार्ट उस हेजल शेल के अंदर डाल दिया जाए. टू सेट बडिंग मोर, और कैसे बहुत से फूलों को खिला दिया जाए, बहुत से कलियों को खिला दिया जाए. एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीच, और वैसे फ्लावर्स जो लेट यानी बाद में उगते हैं और जो ऑटम के सीजन में उगते हैं, उनको कैसे खिला दिया जाए. और लेटर फ्लावर्स फॉर द बीच, और ये जो बाद में खिलने वाले फूल हैं, कलियां हैं, ये जो है कैसे भी मधुमक्खियों के लिए, अनटिल दे थिंक, जब तक मधुमक्खियां ये सोचें वार्म डेज विल नेवर सीच, ये समर का दिन जो है, ये गर्मी का जो दिन है वह कभी समाप्त ना हो, क्योंकि समर जस्ट ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे फूल हैं जो खिल रहे हैं, और जिसका आनंद जो है ये बीज, ये मधुमक्खियां उठा रही हैं और उसका रस चूस रही हैं. उन्हें यह एहसास नहीं हो रहा है कि समर जो है वो जा चुका है, ये ऑटम चल रहा है. लेकिन ऑटम में भी वैसे फूल जो बाद में खिलते हैं वो खिल रहे हैं, और मधुमक्खियां जो है उसका आनंद ले रही हैं. वो ऐसा नहीं सोच रही हैं कि समर जो है कभी ख़त्म होगा. ओके. फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, फॉर समर, गर्मी के जो दिन हैं, हैज ओवर ब्रिम्ड, पूरी तरह से भर दिया है. ओवर ब्रिम्ड यानी किनारे तक भर जाना, किनारे से ऊपर हो जाना, ओवर ब्रिम्ड, बहुत लबालब हो जाना. देयर क्लैमी सेल्स, क्लैमी स्टिकी, वेट यानी चिपचिपा, जो शहद होता है वो चिपचिपा होता है, तो उससे पूरा जो है उनका सेल भर चुका है. और सेल जो होता है स्मॉल कैविटी इन बी हाइव्स, जो उनका छत्ता होता है उसमें एक छोटा सा जो खोखला भाग होता है उसे सेल्स कहते हैं. तो उसके अंदर इतना जो है शहद भर चुका है कि वह पूरी तरह से लबालब हो चुका है.
यहाँ पे पहले स्टिंजा में हम देखते हैं कि कवि जो है पोएट, पोएट ये बताता है कि जो ऑटम है, ऑटम सूरज के साथ मिलकर कैसे फलों को पकाता है, फलों को उगाता है, फलों को जो है फलों के अंदर मिठास को डालता है, ओके, और ये दोनों मिलकर यह प्लान करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें पहले वाले स्टेंजा में जो ऑटम के द्वारा फलों को, फलों का आना और उसके बाद कैसे अंगूर का आना, ओके, फिर गॉड्स का आना, यानी काफ़ी इमेजेस जो हैं, काफ़ी इमेजरी, काफ़ी पिक्चर जॉन कीट्स ने यहाँ पर खींचा है, जिसमें कुछ पिक्चर्स जो हैं, एक मिस्ट का पिक्चर, मेलो फ्रूटफुलनेस का पिक्चर, ओके, उसके अलावा वाइन्स का पिक्चर, आपको हैजल शेल का पिक्चर, गॉड का पिक्चर, यहाँ पे फिर बीज का पिक्चर। तो ये पिक्चर, पूरा पिक्टोरियल जो है क्वालिटी जो जॉन कीट्स की जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, ओके। तो यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया जा सकता है कि यह जो पोएम है पूरी तरह से इमेजरी से भरा हुआ है, इसके अंदर इमेजेस हैं, ओके। अब दूसरे स्टंजा में चलते हैं। Who hath not seen thee often amid thy store? Who has, यहाँ आर्केइक वर्ड है, जिसने नहीं देखा है तुम्हें, who has not seen thee often amid thy store? तुम जो है अपने प्लेंटी, अपने एबंडेंस, यानी ऑटम के द्वारा बहुत से चीज़ों को जो है, बहुत से चीज़ जो है वहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो उसके बीच में जो है ऑटम को देखा जा सकता है, इन द मिड, अमीड का मतलब मिड्स ऑफ, के बीच में, दाई स्टोर, तुम्हारे जो भी चीज़ तुम्हारे द्वारा लाई गई हैं, चाहे वो फलों का निकलना हो या फसलों का आना हो या जो भी एक्टिविटी हो, उनके बीच तुम्हें देखा जा सकता है, ओके, जो तुम्हें नहीं देखा है वो वहाँ देख सकता है। समटाइम्स, कभी कभी, whoever seeks abroad may find, अगर कोई तुम्हें बाहर खोजता है, कंट्री साइड खोजता है, यानी शहर या गांव से बाहर के इलाके में खोजता है, तो वह तुम्हें देख सकता है, तुम्हें पा सकता है, कहाँ, दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लो, तुम जो है अनाज, ग्रेनरी फ्लो, ग्रेनरी जो है अनाज को बोलते हैं, अनाज का जहाँ पे स्टॉक होता है, अनाज का स्टोरेज है, उसके फर्श पे तुम केयरलेस, बिल्कुल आराम से जो है, बिना किसी सोच के, फ्यूचर के सोच के लेटी हुई हो, तुम्हारे पास कोई परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है? दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई द विनोइंग विंड, और तुम्हारे बाल जो हैं वो हवा से, उसाने वाली जो हवा है उससे उड़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जो है इस स्टेंजा में पोएट, पोएट जो है वह ऑटम को पर्सनिफाई करता है, पर्सनिफाई, पर्सनिफिकेशन कहते हैं जब ह्यूमन बीइंग के क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाए और ह्यूमन की तरह वह एक्टिविटी करे, तो उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर्सनिफाई किया है, और इसमें जो है चार गाइज, यानी चार तरह के भेष को बदलता है ऑटम, जिसमें सबसे पहला वह एक विनोअर का फॉर्म लेता है, विनोअर जो है उसाने वाला, जब अनाज तैयार हो जाता है तो उसको हवा में उसाया जाता है, जिससे उसके जो घास फूस या भूसा, जिससे उसके भूसा जो है उस अनाज से अलग हो जाए। तो यहाँ पे पोएट ऑटम को एक विनोवर की तरह, यानी उसाने वाले की तरह प्रस्तुत किया है। वैसे उसाने का ये जो काम होता है मोस्टली वुमन करती हैं, तो औरत की तरह पेश किया गया है यहाँ पर कवि के द्वारा ऑटम को। तो पहले भेष में जो है, पहले गाइज में ऑटम जो है एक एक विनोवर की तरह, उसाने वाले की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, और उसे कोई परवाह नहीं है। और परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि खेत कट चुके हैं और मोस्टली जो अनाज हैं वो गैदर, जमा किए जा चुके हैं और उन्हें बर्बाद होने का खतरा नहीं है, इसलिए अनाजों के ढेर के बीच में यह विनोवर की तरह
उसाने वाले की तरह बिल्कुल केयरलेस बैठी हुई है, और वो जो हवा है इसके जुल्फ को, इसके बाल को हिला रहे हैं। क्लियर, यहाँ इमेज क्लियर हुआ? ओके, यहाँ पे एक चीज, एक वर्ड और देखते हैं हम, सॉफ्ट लिफ्टेड। ये भी अनयूजुअल कंपाउंड है, दो वर्ड्स को मिला के कंपाउंड बना हुआ है। तो सॉफ्ट लिफ्टेड ये अनयूजुअल, ऐसा इस्तेमाल नहीं होता है। सॉफ्ट लिफ्टेड यानी आसानी से, जेंटली उठाना, बहुत ही धीमे से उठाना, प्यार से उठाना, यहाँ इसका अर्थ होता है। ओके, तो पहला जो पिक्चर है वो किस चीज का इमेज है, वो किस चीज को पर्सनिफाई कैसे किया है, एक वुमन की तरह जो विनोवर है, जो ओसाने वाली है। क्लियर। और ऑन अ हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड अस्लिप, और दूसरा जो है एक रीपर की तरह जो फसल को काटता है या काटती है। ओके, तो एक रीपर की तरह फसल काटने वाला, रीप मतलब फसल काटना और रीपर मीन्स फसल काटने वाला। तो दूसरा जो यहाँ पे गाइज है, दूसरा जो फॉर्म लेता है ऑटम, वह फॉर्म लेता है एक फसल काटने वाले की तरह। और ऑन हाफ रिप्ड फ्यूरो, और आधी क्यारियां जो है काटी जा चुकी हैं। ओके, साउंड अस्लिप, और उस पे जो है वह सो चुका है ऑटम, यानी वो काटने वाला जो है वह सो चुका है। ड्राउज्ड विथ, ड्राउज्ड नींद का जो है गलबा आ जाना यानी ऊंघना। ड्राउज, ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, उस फसल के अंदर कुछ पॉपीज भी हैं। पॉपीज बोलते हैं अफीम को, ये रेड या स्कारलेट कलर के होते हैं और इनसे ही अफीम तैयार किया जाता है, और इनकी जो खुशबू होती है वह नशीली खुशबू होती है। तो ये क्या होते हैं, फसल के साथ साथ ये ट्विंड होते हैं, यानी उसी पे जो है गोल 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 वो चढ़े होते हैं, और उसके काटने की वजह से, उसके खुशबू की वजह से जो जो रीपर है वह मदहोश हो जाता है और वह क्यारी पे ही सो जाता है, उसे नींद आ जाती है। ओके, ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज के खुशबू से, अफीम के खुशबू से जो है वह मदहोश हो जाता है। वाइल्ड दाई हुक, और उसके पास जो हुक होती है, जो हंसुआ होता है काटने का, जो औजार होता है, स्पीयर द नेक्स्ट स्वेट, और वह जो अगला फसल का जो रो होता है, क्यारी होता है रो, उसे वह नहीं काट पाता, उसे स्पीयर छोड़ देता है। एंड ऑल इट्स ट्विंड फ्लावर, और वह इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसमें जो है पॉपीज वो ट्विंड है, उसमें लगे हुए हैं पॉपीज। ओके, तो यहाँ दो जो है इमेजेस हमने देखा, दो पर्सनिफिकेशन हमने देखा। पहले में जो पर्सनिफाई करता है वो विनोवर की तरह करता है, ओसाने वाली, दूसरे में जो है काटने, फसल काटने वाली या फसल काटने वाला। ओके, एंड सम टाइम लाइक अ ग्लीना, और कभी कभी ग्लीना की तरह, ग्लीना बोलते हैं जब फसल कट जाए, फसल को जब हटा दिया जाता है तो फसल के अंदर कुछ जो है उसके भाग या उसके ईयर, बाली जिसको बोलते हैं, वो अंदर छूट जाती हैं। ओके, और इसे चुनने वाला जो है आता है और चुन कर ले जाता है। तो जो चुनता है, जो इकट्ठा करता है, वैसे गाँव में अक्सर देखा जाता है कि ये काम बच्चे करते हैं या औरतें करती हैं। ओके, औरतें जो हैं खेत में बचे हुए जो अनाज के जो बाली होती हैं उसे उठाती हैं, उसे ले जाती हैं, तो ग्लीना उसे कहते हैं। ओके, ग्लीना दाउ डोस्ट कीप स्टडी दाई लैदन हेड अक्रॉस अ ब्रुक। अब जो तीसरा इमेज वो लेता है, वो एक ग्लीनर का इमेज लेता है, और यह जो है बिल्कुल इसका सिर जो है, हेड बिल्कुल सीधा है, और इसके ऊपर जो है अनाज की बाली वो इसके सिर के ऊपर रखी हुई है, और वह क्या कर रही है, एक ब्रूक को क्रॉस कर रही है। ब्रूक बोलते हैं छोटे छोटे जो नदी, छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स होते हैं उन्हें ब्रूक कहते हैं, तालाब टाइप का आप समझ सकते हैं। तो वो जो है नहर, नहर भी कहा जा सकता है, उसे क्रॉस कर रही है, और वो बिल्कुल जो है उसका सिर जो है बिल्कुल सीधा है। ओके, और बाय अ साइडर प्रेस, बाय मीन्स नजदीक, और साइडर प्रेस, साइडर जो है, साइडर वर्ड जो है एक प्रकार का ड्रिंक है जो एप्पल को क्रश करके बनाया जाता है। ओके, और प्रेस, प्रेस प्रेसर यानी प्रेस करने वाला, जिसमें डालकर एप्पल को प्रेस किया जाता है और उससे उसका जूस जो है वह निकलता है। तो यहाँ पे चौथा जो पर्सनिफाई किया गया है वह एक साइडर प्रेसर की तरह किया गया है, जो जो है जूस निकालती है। ओके, सेब का, और बाय अ साइडर प्रेस, और साइडर प्रेस के बगल में विथ पेशेंट लुक, वो बहुत ही धैर्यपूर्ण देखती है, उसे कोई चिंता नहीं होती, बिल्कुल पेशेंटली देखती है।
दाउ वॉचेस्ट द लास्ट उजिंग आर्स बाय आर्स, और तुम घंटों से घंटों तक यानी बहुत समय तक बिल्कुल पेशेंट धैर्य पूर्वक एक एक बूंद को उस साइडर प्रेस से गिरते हुए देखते हो। तो यहाँ पे इस स्टेंजा में जो है पोएट पर्सिनिफाई करता है ऑटम को, और जो है वो फोर पिक्चर प्रेजेंट करता है, जिसमें पहला पिक्चर विनोअर का होता है जो विनो के एक्शन को बताता है, कैसे जो है विनोइंग करते हुए यानी ओसाते हुए जो है वह ऑटम ऑटम ग्रेनरी फ्लोर पे आराम से लेटी हुई है। ओके, वह विनोअर जो है लेटी हुई है। दूसरा रीपर का जो फसल को काटते हुए उसके क्यारी पे कैसे सो जाता है या सो जाती है। ओके, और तीसरा जो है तीसरा ग्लीनर का, और चौथा जो है साइड प्रेसर का। ओके, और ये चारों वर्क जो है मोस्टली वुमन के द्वारा की जाती है, तो हम कह सकते हैं वुमन को रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है। वैसे मैन के द्वारा भी अगर माने दैट्स नॉट बिग इशू। ओके, तो ये क्लियर हुआ। यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं जितने भी एक्टिविटी हो रही हैं, ये सारे एक्टिविटी ये फसल काटने का के वक्त या फसल को जो है ओसाने के वक्त का ये एक्टिविटी हो रही है, या फलों को काटने के वक्त की एक्टिविटी हो रही है, यानी ये जो है नून को दर्शा रहा है, दोपहर को दर्शा रहा है। ओके, फसल उगना मॉर्निंग को दर्शाता है। ओके, मॉर्निंग को दर्शाता है फसल का उगना, और यहाँ पे काटा जा रहा है फलों को या फसल को, तो ये नून को दर्शा रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा में हम आते हैं। तीसरे स्टेंजा में पोइट कहता है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग बसंत के वो गीत कहाँ गए, ए वेयर आर दे, हाँ वे कहाँ हैं। यहाँ कवि जो है बसंत के गीत को याद करता है, थिंक नॉट ऑफ देम, और फिर ऑटम को कहता है कि उनके बारे में ना सोचें, दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास जो है तुम्हारा गीत है, तुम्हारे पास तुम्हारा संगीत है, और यह जो गीत है उसके बारे में आगे कवि जो है वह बताता है। वाइल्ड बर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, सॉफ्ट कॉमल डाइंग मरते हुए, और डे मीन्स दिन, यानी कोमल मरते हुए दिन का हिस्सा जो शाम है, तो शाम के वक्त जब बादल के पीछे सूरज की किरणें हो जाती हैं और जब वो चमकती हैं तो ऐसा लगता है कि बादल जो है बर्ड के पीछे है, किसी छड़ के पीछे है। ओके, बर्ड मीन्स छड़ के पीछे, किसी छड़ के पीछे है। तो वाइल बर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, शाम के वक्त जब बर्ड क्लाउड एंड टच द स्टबल प्लेन, स्टबल का अर्थ होता है जब फसल को काट लिया जाता है जो उसकी ठूंठ रहती है। ओके, खूंठी वो अभी है, और ऐसा लगता है कि बादल के पीछे से जो किरणें हैं उसे छू रही हों, विथ रोजी हु, रोजी का अर्थ होता है गुलाबी कलर, और ह्यू मतलब कलर, गुलाबी कलर से उसकी रोशनी जब हो जाती है लाल कलर की, तो ऐसा लगता है कि वह उसे छू रही हैं। देन इन अ वेलफुल क्वायर, तब जो है विलाप, वेलफुल मीन्स विलाप, दुख, क्वायर, क्वायर बोलते हैं जब चर्च के अंदर बच्चे जो है गीत गाते हैं सब मिलकर एक साथ, तो क्वायर, द स्मॉल नेट्स मॉर्न, छोटे छोटे जो है इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े मौन विलाप करते हैं। ओके, सेम सेम कैसे, जैसे जैसे क्वायर यानी कोरस में कोई गाता हो, और ये सब विलाप करते हैं। एमंग द रिवर सैलोच, नदी के अंदर जो 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 सैलोज है, सैलोज वैसे हिंदी में उसे बेंत का पेड़ कहते हैं जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो है छोटे छोटे कीड़े हैं, और वो कीड़े जो हैं वो आवाज़ उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो विलाप कर रहे हैं, वह रो रहे हैं, और उनकी आवाज़ जो है बोन एलॉफ्ट, और ये सैलोज जो हैं लंबे लंबे बड़े बड़े जो है वहाँ पे हैं, जन्मे हैं, हैं। देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मॉर्न एमंग द रिवर्स सैलोज बोन एलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, जैसे जैसे हवा जो है बढ़ती है या घटती है वैसे वैसे उनकी आवाज़ भी बढ़ती और घटती है।
जब वह ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं तो उनकी आवाज़ में जो है वह फर्क आती है और ऐसा लगता है कि वह रो रहे हैं। तो यहाँ पे इमेज आप देख रहे हैं कितना छोटा सा इमेज जो है जॉन किट्स के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, और प्रेजेंट किस चीज़ को? नेट्स, छोटे छोटे कीड़े। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एंड फुल ग्राउंड लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, और बड़े बड़े लैम्स, मेमने जो बड़े हो गए हैं, वह जोर से बोलते हैं, मिमियाते हैं, कहाँ? हिली एरिया से, पहाड़ी इलाके से। हेज क्रिकेट सिंग, झींगुर जो है वह गाता है। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, ट्रेबल बोलते हैं आवाज के हाईएस्ट पिच को। द रेड ब्रेस्ट व्हीसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, रेड ब्रेस्ट यहाँ पे रोबिन एक चिड़िया है जिसके ब्रेस्ट पे जो है वो लाल कलर होता है, इसलिए रेड ब्रेस्ट। और यह कहाँ से ये विसल कर रही है, कहाँ से सीटी दे रही है, कहाँ से गा रही है? फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, वह बगीचा जो किसी घर रहने वाले घर के बगल में है, उस एरिए में है, उस पे जो पेड़ है वहां से वह रोबिन चिड़िया जो है विसल दे रही है। एंड गैदरिंग सोलोस, सोलोज अबाबिल, और यह चिड़िया जो है गर्मी के दिनों में रहती हैं और जाड़े के दिनों में फिर दूसरे जगह जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ चली जाती हैं। तो ये आसमान में झुंड के झुंड जा रही हैं और उनकी जो आवाज़ है ट्वीट इन द स्काई, उनकी चहचहाट आसमान में सुना जा सकता है। तो यहाँ पे ये तीसरे स्टेंजा में हम देख रहे हैं कि कवि जो है शाम के दृश्य का वर्णन कर रहा है। वैसे स्प्रिंग में सुबह का दृश्य काफी मनभावन होता है, काफी सुहावना होता है, लेकिन कवि जो है शाम के वक्त को ऑटम से रिप्रेजेंट कर रहा है या बता रहा है ऑटम के बारे में, शाम से। और इस पूरे पैसेज में जो है हम ये देख रहे हैं, कि कवि यहाँ पे ये भी कह रहा है कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के गीत कहाँ हैं, और जो ऑटम के गीत हैं उसके अपने पास उसके गीत हैं, म्यूजिक संगीत हैं। यानी कभी बता रहा है कि फ्यूचर के बारे में सोचना, कि स्प्रिंग सीजन काफी अच्छा है और उसके बारे में सोचते रहा जाए तो यह बेहतर नहीं है। बेहतर यह है कि ऑटम को भी इंजॉय किया जाए, कभी इन चीजों में भी इंजॉय कर रहा है, तो कभी इंजॉयमेंट का जो है इंजॉयमेंट को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कि ऐसा फ्यूचर के बारे में ना ही सोचा जाए कि फ्यूचर जो आने वाला है वो अच्छा है, आप प्रेजेंट को भी जिए, जो भी जैसा भी है, ऑटम ही क्यों ना हो। इन पूरे जो पूरे स्टेंजा में, यानी तीन स्टेंजा में जो है हम देखते हैं, पहले स्टेंजा में कभी कभी जो है कभी टेक्टाइल पिक्चर को बताता है, टेक्टाइल जिसे टच किया जा सके, यानी फल, छत्ता, बीहाइव्स, गोल्ड, हेजल शेल्स, इन सब चीजों को बताता है जिसे छुआ जा सके। यहाँ पे सेंसरी, सेंसुअसनेस, कैसे सेंस का इस्तेमाल हो रहा है छूने वाली चीज को जिसे हम टच कर सकते हैं। और दूसरे वाले स्टेंजा में कवि जो है हमें विजुअलाइजेशन करा रहा है, दिखा रहा है कि कैसे जो शेप है एक विनोअर का, एक रीपर का, एक ग्लीनर का और एक साइड प्रेसर का। तो ये विजुअलिटी है यहाँ पे। और तीसरे स्टेंजा में कवि हमें सुना रहा है ऑडिटरी, वो नेट्स के साउंड को सुना रहा है, रॉबिन के साउंड को सुना रहा है, उसके अलावा जो है लैम्प्स के ब्लिट को सुना रहा है, सोलो के जो ट्विटर को सुना रहा है। तो यहाँ पे ऑडिटरी पूरा सुनने का सेंस है, छूने का सेंस, देखने का सेंस और सुनने का सेंस। इन चीजों में जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये तीन स्टेंजा जो हैं ये एक दिन के तीन पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें मॉर्निंग, इवनिंग, सॉरी मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग है। मॉर्निंग के वक्त खिले हुए जो फूल हैं, पके हुए फल हैं, इसके अलावा गोल्ड और जितने भी इमेजेस जो बताए गए हैं वो मॉर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे वाले स्टेंजा में कैसे एक रीपर, फसल काटने वाला, ऊंघा हुआ है। तो ये जो है नींद को, ड्राउजीनेस को बताता है जो नून के वक्त को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरे वाले स्टेंजा में जो है इवनिंग का वक्त पूरी तरह से जो है बताया गया है। तो ये तीन जो है, ये तीनों जो हैं, ये तीन चीज़ों को जो है एक दिन के तीन हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। यह जो है पोएम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपने देखा कैसे सेंस का इस्तेमाल किया गया है, छूने का सेंस, देखने का सेंस,
फील करने का सेंस, उसके अलावा सुनने का सेंस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आपको मिलती हैं। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, और ये पोएम मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इट हैज़ 3 स्टेंजास एंड इच स्टेंजा कंटेंस 11 लाइन्स, मीन्स टोटल 33 लाइन्स, और ये जॉन किट्स की बहुत ही बेहतरीन पोएम है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।